हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माई एग्जाम सॉल्यूशन में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं के सॉल्व असाइनमेंट। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमारे सॉल्व असाइनमेंट हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आपको सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को जहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है उसे पॉज करना है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, समय समय पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस और असाइनमेंट्स की वीडियोस लेके आते रहते हैं। आपको अगर चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे पहले वीडियोस को देख सकते हैं, और हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, हमारी वेबसाइट पर भी हैं और हमारे इस चैनल पर भी हैं। सो अभी हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट 21-22 लेटेस्ट असाइनमेंट है। अगर इन असाइनमेंट्स में से किसी का भी आपको PDF चाहिए तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो ये लेटेस्ट असाइनमेंट है, ये कैसे आपको इसका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, किस तरह से आप इसका असाइनमेंट राइटिंग लिखेंगे, सब चीज़ें भी हम आपको इस असाइनमेंट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये हमारा असाइनमेंट PDF है, MPS 002। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम क्वेश्चन पेपर इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप गूगल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इग्नू वेब सर्विसेज। तो जैसे ही आप इग्नू वेब सर्विसेज लिखेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ये हमारा आ गया सबसे पहला रिजल्ट। देखिए यहाँ पे कई सारे रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमें आपको सबसे पहले ये वाले में जाना है जो पूरा प्रॉपर लिंक है। इसके अलावा BDP और भी लिंक आ रहे हैं, ये सारे वेब सर्विसेज के लिंक हैं। तो आपको नो डाउट ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक हैं, तो आप किसी में भी जा सकते हैं। तो अभी हमने असाइनमेंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे टोटल जितने भी प्रोग्राम है ना जो इग्नू प्रोवाइड करते हैं, उन सभी के असाइनमेंट यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें MA पॉलिटिकल का चाहिए, तो यहाँ क्लिक कर देते हैं हम। और हमें फर्स्ट ईयर का चाहिए, हाँ भाई हिंदी का चाहिए, हमें हिंदी का ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारे असाइनमेंट हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हमें जमा कब करने हैं। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई कैसे जमा करें और कौन से असाइनमेंट कब जमा करने हैं। तो ये कन्फ्यूज़न देखिए क्वेश्चन पेपर में ही क्लियरली लिखा होता है कि जुलाई, जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है वो मार्च में जमा करेंगे 2022 में, और जिन्होंने जनवरी में अपना एडमिशन लिया है वो सितंबर में करेंगे। इसके अलावा यहाँ क्वेश्चन पेपर भी दे रखा है आपको MPS का 002। टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर है, और हर जैसे जो भी उत्तर आप लिखते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कि हमारे इग्नू में टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। हर क्वेश्चन के आंसर जो आप उत्तर लिखेंगे वो कम से कम 500 शब्दों का होना चाहिए, और हर क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स है वो 20 मार्क्स का है। तो मेनली आप ये कह सकते हो कि टोटल 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, और 500 शब्द के आंसर आपको करने ही करने हैं। कई सारे देखिए हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारा लिख लेते हैं, और कुछ तो दो दो पेज का लिख देते, तो ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम आपका वर्ड लिमिट 500 होना चाहिए, और ना उससे ज़्यादा आप करें ना उससे कम, उसी में आपको आंसर लिखना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा दो भागों में डिवाइड है ये क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हैं। पहले में 5 क्वेश्चन है और दूसरे में भी 5 क्वेश्चन है, टोटल 6 से लेके 10 तक। बट इसमें से आपको टोटल 5 ही अटैम्प्ट करने हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे टोटल 10 क्वेश्चन हैं, तो हमें करने कितने हैं, 5 करने हैं। अब 5 कैसे कैसे कर सकते हैं आप, पहला भाग है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से आप 3 क्वेश्चन कर लीजिए और दूसरे भाग में से 2 क्वेश्चन कर लीजिए। या आप ऐसा कीजिए कि आप भाग 1 में से 2 क्वेश्चन करिए, भाग 2 में से 3 क्वेश्चन कर लीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को। तो टोटल 5 क्वेश्चन आप इसमें दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन पे, जो हमारे असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। तो ये आपके लिए हमारे असाइनमेंट्स हैं, सॉल्व्ड असाइनमेंट। इसका पहला क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट किया है, आत्मनिर्णय की अवधारणा और उसके अनुप्रयोग में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो जो आत्मनिर्णय की अवधारणा है उसके उसमें आपको उसका मूल्यांकन करना है, किस प्रकार राष्ट्रों ने आत्मनिर्णय का अधिकार अपने आप में प्राप्त किया, उसको इस्तेमाल किया, और किस तरह से राष्ट्र निर्माण के लिए उसका यूज़ किया। तो ये किन किन जगहों पे यूज़ होता है, ये सब आप इसमें बता सकते हैं।
ओके तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अर्थ की व्याख्या करें, यह सीमा सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे आतंकवाद होता है उसको आपको बताना है, और ये किस तरह से किसी भी देश की, ना सिर्फ भारत की पर किसी भी देश की सीमा को कैसे, जो उनकी सुरक्षा सीमा होती है उसको कैसे प्रभावित करता है, और उसमें क्या क्या कानून, क्या क्या चीज़ों को प्रभावित करता है, वो सब आप इसमें बता सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, क्या आप समझते हैं कि दुनिया एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय है। वर्तमान परिस्थितियों की व्याख्या करें। तो दोस्तों इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय भी है, द्विध्रुवीय भी है और बहुध्रुवीय भी है। इसमें आपको जो विचारधाराएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच में जो विचारधाराएं वो बतानी है कि एक ध्रुवीयता, जैसे एक ध्रुवीयता में बताया अमेरिका तो पूरे विश्व पर राज कर रहा है किस तरह से पूंजीवादी विचारधारा को लेके, इसी तरह से आप बता सकते हैं। और उसमें ये कह सकते हैं कि देखिए जैसे ये रहा क्वेश्चन में, आंसर में आ गया, अमेरिका की जो एक ध्रुवीयता स्रोत हैं वो किस तरह से प्रभावित करते हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना योगदान देते हैं, वो सब आप इसमें बता सकते हैं। देन हमारा ये तीन क्वेश्चंस फिनिश हो गए, अब हमने सेकंड पार्ट ले लिया, सेकंड भाग ले लिया। और इसका पहला क्वेश्चन है जो सिक्स्थ का है, मानव सुरक्षा और न्याय ये आपको बताना है। 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना है आपको, ऐसा नहीं है इसको 500 शब्दों में लिखना है, ये 250 शब्द है। इसमें मानव अधिकार के बारे में आप बता सकते हैं, किस तरह से मानव अधिकार को, उसका मानव को उसका अधिकार मिला, सार्वभौम घोषणा के तहत उनको अपने मौलिक अधिकारों को जीने का अधिकार मिला, ये सब चीज़ें जो अधिकार उनको मिले वो आपको बताने हैं। और न्याय, उसमें न्याय की क्या भूमिका है वो भी आप बता सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत। तो लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार लोकतांत्रिक जो देश हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से शांति बनाए रखते हैं, तो वो सब चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी ट्रीटीज़ यानी यूनिटीज़ हुई हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करती हैं वो सब आप इसमें बता सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेवंथ क्वेश्चन है, उसका कहा है विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। अब विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत पूरे विश्व में व्यापार होता है। तो भी इसमें देश हैं वो आपस में व्यापार करते हैं और व्यापार करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कितने देश हैं हमारे पास, 164 हमारे पास देश हैं जो कि इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, एक दूसरे से व्यापार करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, तो वो आप बता सकते हैं इसमें। और किस तरह से ये योगदान देते हैं विश्व की अर्थव्यवस्था को, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मानव अधिकार के मुद्दे। दोस्तों मानव अधिकार क्या है और किसके मुद्दे, इसकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इन्हीं सभी कारकों की वजह से मानव अधिकारों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं, किस प्रकार से ये सब चीज़ें जो हैं आतंकवाद, नक्सलवाद, इनको भी बढ़ावा दे रही हैं, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये असाइनमेंट है, ये फिनिश होता है। आई होप आपने
समझा, और आपको सॉल्व असाइनमेंट्स मिल गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अपने असाइनमेंट लिख लिए हैं। आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, वो यही है कि आप अपने कुछ आंसर्स हैं अपने वर्ड्स में लिखें, ऐसा नहीं है कि पूरी कॉपी मार दी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं, उनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर करना है तो फिर कोर्स जो है उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है ना। अगर आपको असाइनमेंट में पढ़ना ही नहीं है, मतलब आपको स्टडी ही नहीं करनी, तो उससे आपको क्या है, नुकसान होता है, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, फिर उसमें आपका कोर्स बढ़ता है। तो असाइनमेंट का मीनिंग यही है कि आप उसमें पढ़ें, उसको लिखें, और उसमें अपने आंसर्स को लिखकर एग्ज़ाम में अपना अच्छा योगदान दें। और एग्ज़ाम से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, या आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो आप लोगों के लिए हमने एक पेन ड्राइव कोर्सेज भी निकाले हैं, जो कि मेनली आप ही के सिलेबस के हिसाब से हैं, और जो मेनली चीज़ें हैं जो पेन ड्राइव कोर्स में पढ़ाई गई हैं वो बिल्कुल बेस से शुरू की गई है। बेस यानी शुरुआत से, जैसे मानव अधिकार को अगर बताया है तो मानव अधिकार को पूरा शुरू से बताया गया है उसमें, कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि कई सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेस ही नहीं पता होता, क्लियर ही नहीं होता वो कॉन्सेप्ट, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस उसमें पढ़ाया गया है। तो अगर आपको उनसे भी रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी वीडियो फिनिश होती है, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।